शूटर का सुराग हरियाणा पुलिस के हाथ लगा है। इस शूटर का नाम अतुल बताया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में ये जानकारी मिली है कि इस हत्याकांड में देश के बाहर मौजूद एक गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर का हाथ हो सकता है, जिसने सुपारी लेकर अपने शूटरों को काम को अंजाम देने के लिए लगाया है। तो देखिए, इसमें विदेशी हाथ भी यहां पर हो सकता है और झज्जर में अंजाम दिए गए इस डबल मर्डर के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। और अब जो ये खुलासा हुआ है ये बता रहा है कि इसमें विदेशी को क्या गैंगस्टरों का हाथ भी हो सकता है और पुलिस के हाथ अहम सुराग लगातार लग रहे हैं और इस शूटर का नाम अतुल बताया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस शुरुआती जांच में लगातार जानकारी जुटा रही है। इस हत्याकांड से जुड़ी हुई लेकिन देश के बाहर भी इसके तार फैलते हुए लगातार सामने आ रहे हैं और कई नाम इसमें और हो सकते हैं और कुख्यात गैंगस्टर का नाम भी इसमें शामिल है। इसकी भी सुराग पुलिस के हाथ लगातार लग रहे हैं, जिसने सुपारी लेकर अपने शूटरों को काम को अंजाम देने के लिए लगाया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी उस वक्त की आप देखिए, सीसीटीवी तस्वीर है जब आईएनएलडी के पूर्व विधायक अपनी गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे, उनके साथ वो ड्राइवर भी मौजूद था लेकिन आगे क्योंकि फाटक बंद था तो उनको अपनी गाड़ी वहीं पर रोकनी पड़ी। लेकिन अचानक से दो शूटर वहां पर आते हैं और ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शूटरों की गाड़ी है और इसका जो नंबर था वो भी कहा जा रहा है कि फर्जी नंबर था। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां हरियाणा के आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह हत्याकांड में इस्तेमाल कार फरीदाबाद की थी लेकिन कार का नंबर फर्जी निकला है और खबर यह है कि शूटर के सुराग पुलिस को अब मिल गए हैं और उनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश यहां पर दी जा रही है। लगातार पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मसले को लेकर चल रही है लेकिन शाम को जब यह हुआ तो तमाम समर्थक भी आईएनएलडी नेता के वहां पर पहुंच गए और उन्होंने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। सबकी मांग यही थी कि इसमें ठीक ढंग से जांच हो और पर्दाफाश किया जाए जो शूटर इसमें शामिल है उनको लेकर। और आपको बता दें हरियाणा से, जहां हरियाणा के आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह हत्याकांड में इस्तेमाल कार फरीदाबाद की थी लेकिन कार का जो नंबर था वो फर्जी निकला और खबर अब ये भी है कि एक शूटर के सुराग पुलिस को मिले हैं और जल्द ही उसको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी जाएगी। इसमें तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी लगातार अब काम करना शुरू उन्होंने कर दिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। हरियाणा के झज्जर में आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच कर रही हरियाणा पुलिस ऐसे पैटर्न पर अब जांच कर रही है जिसमें कई हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया गया। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को ऐसे ही अंजाम दिया गया और हमलावर चार से ज्यादा थे और अत्याधुनिक हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। बकायदा रेकी की गई और मूसेवाला की कार का पीछा करके मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया और ठीक ऐसे ही इसी प्रक्रिया से नफे सिंह हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान का गोगा मेणी हत्याकांड भी अंजाम दिया गया जिसमें शूटर्स प्रोफेशनल थे, हथियार आधुनिक थे और ठीक इसी पैटर्न पर अब राजू ठेठ हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया था। और हरियाणा पुलिस के हाथ नफे सिंह हत्याकांड में कुछ सुराग हाथ लगे हैं और अब जांच में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी इसमें जुट गई है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल और क्या जानकारी अपडेट्स आपके पास है, ये भी जानना चाहेंगे लेकिन एक सेट पैटर्न है इन तमाम हत्याकांड जो इससे पहले भी हुए हैं, जो आज हुआ उसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिलहाल क्या कह रही है? देखिए, तीन बड़ी जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस को तीन बड़ी लीड्स मिली है। पहली की जो गाड़ी है वो फरीदाबाद की थी, गाड़ी का नंबर फर्जी निकला है। दूसरी, दो लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है जिनसे लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसमें एक अतुल नाम के शख्स का रोल सामने आ रहा है जो शूटर हो सकता है। ये अतुल कौन है इसकी पड़ताल भी लगातार पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो भी लगातार जो है वो शूटर्स को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है। एक काफी कुख्यात गैंगस्टर है जो हिंदुस्तान के बाहर है, उसके एसोसिएट्स या उसके मददगार जो हैं इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हो सकते हैं, ऐसा भी पुलिस को शक जाहिर हो रहा है। इसलिए पुलिस उस एंगल पे भी जो हरियाणा पंजाब के जो गैंगस्टर हैं उनकी भी कुंडली लगातार खंगाल रही है। और इस पूरे मामले में अभी पुलिस की कोशिश ये है कि जो अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई नफे सिंह की गाड़ी पे, उन हथियारों को बरामद किया जाए। वो जो गाड़ी थी फरीदाबाद की फर्जी नंबर की, उस गाड़ी को बरामद किया जाए। ये दोनों चीजें अगर बरामद हो जाती है तो पुलिस को काफी कुछ लीड मिलेंगी और लगातार पुलिस जो है वो हमलावरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी आनंद, आप नजर लगातार बनाए रखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है और नफे सिंह हत्याकांड की एसटीएफ जांच अब करेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का यह बयान सामने आ गया है। अनिल विज ने कहा कि अगर सीबीआई से तसल्ली होती है तो सीबीआई जांच
भी कराएंगे, जिसमें सीबीआई जांच भी मुमकिन है। ये कह दिया गया है नफे सिंह हत्याकांड के बाद अब पूरे हरियाणा में एक तरीके से सनसनी फैली हुई है कि आखिर वो शूटर कौन थे। अब इसके जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में बैठा कोई कुख्यात गैंगस्टर था जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है और कई सारी कड़ियां जोड़नी अभी इसमें बाकी हैं और पुलिस उसी में लगातार लगी हुई है। एक के बाद एक कई राउंड फायर किए गए और ऐसे में नफे सिंह हत्याकांड के बाद एसटीएफ जांच भी अब इसमें एसटीएफ अपनी जांच करेगी और हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष की तसल्ली के लिए सीबीआई जांच भी इसमें मुमकिन है। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एसटीएफ तो जांच कर ही रही है, शुरुआती जो एंगल्स हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर हैं, कैसे अभी जांच आगे चल रही है? देखिए, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इस पैटर्न पे भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तर्ज पे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया वही पैटर्न जो है वो नफे सिंह हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है। शूटर प्रोफेशनल थे, अत्याधुनिक हथियार से बाकायदा रेकी की गई, जिस तरह की सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की रेकी की गई और उसके बाद करीबन 20 से ज्यादा राउंड फायर जो है वो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पे किए थे, नफे सिंह की गाड़ी पे किए थे। इसी पैटर्न पे प्रोफेशनल शूटर्स थे, उन्होंने हाल ही में गोगा मेड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सेम इसी पैटर्न पे राजस्थान में एक जो चुनाव लड़ने जा रहा था एक नामी गैंगस्टर था जिसका नाम था गोगा मेड़ी, उसके अलावा एक और था। उस गैंगस्टर के भी लगातार जो है उसी पैटर्न पे गैंगस्टरों ने अंजाम दिया गया। तो अब नफे सिंह हत्याकांड में भी पुलिस इसी थ्योरी पे काम कर रही है और पुलिस को शक जहरा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं, सुपारी किलर हो सकते हैं, जिन्हें हायर किया गया भाड़े पर, उसके बाद इनसे इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। जी, तो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आनंद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन तो लगातार चल रही है, जो इनके परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो क्या बता रहे हैं? क्या ये आपसी रंजिश का पूरा मामला था या फिर क्या जुड़ता हुआ उनके हिसाब से दिख रहा है उन्हें? देखिए, जो परिवार है नफे सिंह का, उनके बेटे से हमने बात की, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है जगदीश नंबरदार, जो एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं जिन्होंने की आत्महत्या कर ली थी और उस मामले में नफे सिंह नामजद थे, वो फिलहाल अग्रिम जमानत पे थे। उसी परिवार के खिलाफ जो है 7 लोगों के खिलाफ जो है FIR जो है नफे सिंह के परिवार ने दर्ज कराई है कि उन्होंने जमीन का कोई विवाद चला था और लगातार उस परिवार की तरफ से नफे सिंह को धमकियां मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, पुलिस उन 7 लोगों से भी लगातार पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, हालांकि ये 2 लोग कौन है पुलिस ने साफ नहीं किया है और पुलिस इन 2 संदिग्धों से भी कई जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। अब तक हालांकि कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई, लेकिन लगातार न केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों में जो है वो लगातार पुलिस की रेड जारी है। जी, तो इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं। 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 7 नामजद हैं, आगे तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, सवाल यही है। हरियाणा के झज्जर में INLD नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। हरियाणा पुलिस ऐसे पैटर्न पर जांच कर रही है जिसमें कई हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया गया और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सबको अच्छे से याद होगा, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को ही कुछ ऐसे ही तरीके से अंजाम दिया गया था और हमलावर 4 से ज्यादा ही थे और उसमें भी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, बकायदा रेकी की गई और मूसेवाला की कार का पीछा करके मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया और ऐसे ही नफे सिंह हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान का गोगा मेड़ी हत्याकांड भी था, उसको भी ऐसे ही अंजाम दिया गया था जिसमें शूटर्स प्रोफेशनल थे और हथियार अत्याधुनिक थे और ठीक इसी पैटर्न पर राजू ठेठ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हरियाणा पुलिस के हाथ नफे सिंह हत्याकांड में कुछ सुराग मिले हैं और अब जांच में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी इसमें लगातार जुट गई है। कई सारे पहलुओं पर यहां पर कई एंगल्स से जांच होगी और ऐसे में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक कई सारी गोलीबारी यहां पर की गई और उनकी गाड़ी में भी वो निशान है, लेकिन उनके ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया जाता है और बकायदा ये कहा भी जाता है कि जा, तुझे हम जिंदा छोड़ रहे हैं। तो आखिर वो शूटर्स कौन है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, मास्टरमाइंड कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल और क्या जानकारी, क्या अपडेट, किस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए, गाड़ी बरामद की जाए और जो हथियार हैं उन्हें बरामद किया जाए, क्योंकि शूटर्स के गिरफ्तार होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि शूटर्स ने किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या कोई निजी दुश्मनी थी जो नफे सिंह थी उनकी,
या ये कोई जमीन विवाद था या कोई नफे सिंह से एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहा था, जिस तरह से लगातार अभी हरियाणा में हमने देखा, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में जो गैंगस्टर हैं वो ताबड़तोड़ नेताओं से, बड़े बिजनेसमैन से फिरौती की रकम मांगते हैं और रकम नहीं मिलने पे उनके घर पे फायरिंग करते हैं। तो इन तमाम एंगल्स को पुलिस रूल आउट कर रही है और इसी के इर्द गिर्द जो है वो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस को सुलझती नजर आ रही है। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शूटर्स की गिरफ्तारी की जाए। दो लोगों को हालांकि हिरासत में लिया गया है लेकिन ये शूटर्स नहीं है अब तक, पुलिस का कहना है, लेकिन इनसे कुछ क्लू जरूर पुलिस को मिले हैं। जो मेन शूटर्स है उनकी तलाश में लगातार पुलिस जो है सरगर्मी से जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है, रेड्स कर रही है। एक अतुल नाम के शूटर्स का भी नाम सामने आ रहा है जिसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे कई लोगों के चेहरे जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं और उन चेहरों के आधार पर अब पुलिस जो है लगातार जो है वो दबिश दे रही है कि ये चेहरे किनके हैं, ये क्या प्रोफेशनल शूटर्स थे या हिस्ट्री सीटर्स हैं या अभी जेल से बाहर आए हैं और किन गैंगस्टरों के साथ इनके संपर्क थे। इन तमाम बिंदुओं पे, इन तमाम चीजों पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस की जांच भी जारी है। जी आनंद, अभी तक जितना कुछ दिख पा रहा है, देखिए पूरी रेखी यहाँ पर की गई थी, एक प्रॉपर पैटर्न लेकर फॉलो किया गया था, आगे उसको लेकर भी क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि रेखी की गई थी उसके बाद ही शूटरों को शायद पता था कि कहीं से वो जा रहे हैं और फाटक वहां पर क्लोज होता है, उसके बाद ही वहीं पर अटैक कर दिया जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है, एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है और जिस तरह से क्राइम सीन को अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूरा सुनसान इलाका है, केवल एक रेलवे का ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक पे बकायदा